गुड मॉर्निंग। आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे तत्ता पानी, शिमला से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस, जो कभी एक गर्म पानी का स्रोत होता था। नीचे से ज़मीन से गर्म पानी निकलता था और हर दिन 12 महीने 24 घंटे चलता रहता था। अभी वहाँ पर झील बन गया है, एक बांध बना दिया गया था तत्ता पानी से थोड़ा आगे गवर्नमेंट ने, तो अभी वो किस तरह से दिखता है वो हम देखते हैं। और आप भी पूरा वीडियो देखें, आपको इसका आइडिया होगा। और वहाँ पर मैं कुछ आपको लोकल लोगों से मिलाऊंगा और जहाँ पर तत्ता पानी का कुंड है वहाँ पर हम स्नान भी करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तत्ता पानी जमीन से निकल रहा है। ये यहाँ पर सरकार ने कुछ व्यवस्था की है और ये पूरा पाइप के द्वारा यहाँ से ये बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपसे आपको इन भाई साहब से मिलाता हूँ। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम चरणदास है। चरणदास जी, आप यहाँ तत्ता पानी के रहने वाले हैं जी। तो ये जो बांध बना है जी, इससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि मैं यहाँ 2012 में आया था फैमिली के साथ में, तो उस टाइम सीधी नदी बहती थी जी। और यहाँ पर गर्म पानी का जो है वो स्रोत था और वहाँ बैठ के आराम से नहा सकते, नदी के साथ ही था। तो अभी अभी मतलब ये बांध हो गया जी, तो उससे वो उस पर कुछ फर्क पड़ा? वो कहाँ गया वो? वो पानी तो डूब गया ना सर, झील में डूब गया। अच्छा अच्छा, वो जो मतलब तत्ता पानी जो निकलता था वो भी बंद हो गया। बंद हो गया, तो उससे क्या मतलब कुछ फायदा हुआ जो गवर्नमेंट ने किया उससे? उससे क्या, उससे तो नुकसान ही हुआ सर यहाँ के लोगों को। अच्छा, जो तत्ता पानी का जो तीर्थ स्थान था, जो मेन गर्म पानी का जी 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 जी, वो सब खत्म हो गया। वो सब खत्म हो गया जी। यहाँ मेला भी लगता था? मेला भी जनवरी 13-14 जनवरी को से यहाँ पर मेला होता था ना, ये एक महीने का पूरा। ओके, तो वो भी अब मेला भी नहीं लगता। मेला भी कम सम लगता है अब सर। अच्छा लगता है, अभी भी लगता है, लेकिन उतना मतलब जोश नहीं रहता उसमें। नहीं। ओके ओके, अब तो सर ऐसा है ना, जैसे गर्म पानी है ये तो जैसे रेडीमेड की तरह हो गया है। हाँ हाँ हाँ, बनावटी पानी हो गया। तो ये जैसे आपने देखा, मैंने भी वहाँ पर स्नान किया है, तो उसमें जो है वो एक कुंड बना रखा है, लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो सीधा नदी में ही वो पानी निकलता था और वहाँ से हम बैठ के आराम से अपना नहा सकते थे। तो अभी इससे कुछ नुकसान भी हुआ आप लोगों को? जैसे यहाँ के जो लोकल, आप यहाँ के लोकल है, तो कुछ नुकसान हुआ इसको रोकने से, बांध को बनाने से? जमीन वगैरह या आपके घुस गई? हाँ, हमारी जमीन, होटल जो भी थे, घर बार, वो सब खत्म हो गए सर, उसके अंदर चले गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो हमारी उपजाऊ जमीनें थी वो सब खत्म हो गई। अच्छा, वो सब झील में, झील डैम के अंदर चली गई? हाँ जी, डैम का जो पानी इकट्ठा हुआ है उसी में चली गई। उसी में चला गई। तो अच्छा, तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये कुछ अब गवर्नमेंट ने किया तो कुछ सोच के किया, कुछ फायदा होगा तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो आप कुछ बोलेंगे यूट्यूब पे जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोलेंगे? तत्ता पानी के बारे में कुछ बताएंगे आप? तत्ता पानी का तो जो है तीर्थ स्थान है सर, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जी जी। जमदग्नि ऋषि जी ने यहाँ तपस्या करके जो है ये गर्म पानी निकाला हुआ है। ओके ओके ओके, और ये प्रसिद्ध है गर्म पानी, और इसके फायदे भी हजारों फायदे हैं जी।
जी जी बहुत ही बढ़िया, तो सबको आना चाहिए। हाँ, आपका कहना ये है जी, और बहुत ही अच्छा एक जगह है। हाँ, और नजदीक शिमला से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये था, मैंने इनसे, ये यहाँ के लोकल है तो इनसे मैंने आपसे आपको बात कराई। ये इनका यहाँ पर दुकान है, इसके ऊपर ही आप जगह, इधर झील है और झील के ऊपर ये इनकी दुकान है। तो आप कभी भी आओ तो यहाँ से इनके पास में जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ रखते हैं। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये कुंड बने हुए हैं गर्म पानी के, ये इधर लेडीज का है, उधर ये इस साइड में जेंट्स का है, तो यहाँ नहा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।